नमस्कार, और आप देख रहे हैं पल पल। जीवन दाहिनी यमुना जब उफान पर होते हैं तो सब जगह तबाही का मंजर नजर आता है। यहाँ छोड़े गए पानी से राजधानी दिल्ली को भी खतरा है, और इसके साथ साथ लगातार जो गांव पड़ते हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं हथनीकुंड बैराज के आज तक के इतिहास में सबसे जल्दी और तेज गति से पानी यहाँ से निकला है, वो भी 36 घंटे में, जिससे हथनीकुंड बैराज को कई जगह से क्षति पहुंची है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहली बार हथनीकुंड के इतिहास में इतना पानी एक साथ निकला, जिसकी वजह से हथनीकुंड बैराज की कई जो वॉल हैं, दीवारें हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। नुकसान कितना हुआ है वो पानी बंद होने के बाद ही उसका आंकलन किया जा सकेगा। सिंचाई विभाग के एक्शन हरिदेव कम्बोज ने बताया कि हथनीकुंड बैराज में 1996 से इसका जो है कार्य शुरू किया गया था, और 1999 में ये बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। 1999 से लेकर के अब तक लगातार यहाँ पर पानी चला है। इस बार जो हाईएस्ट फ्लड वाटर है वो 8,28,000 बेहतर क्योंसेक पानी 18 अगस्त की शाम को 6 बजे निकला, और इससे पहले 2013 में यहाँ पर 8,64,064 क्योसेक पानी यहाँ से निकला था, और इससे पहले उसने काफ़ी डाउनस्ट्रीम डैमेज होने शुरू हो गए थे। इस बार बहुत भारी मात्रा में हाईएस्ट फ्लड वाटर जो यहां से निकला उसके कारण काफ़ी डैमेज यहां हुए हैं, क्योंकि पूरे डैमेज कितना हुआ है इसका आंकलन अभी नहीं लगाया जा सकता। जैसे ही पानी बंद होगा इसकी गणना कर ली जाएगी। हालांकि अभी भी लगातार इसकी जाँच की जाती है। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि पहले यहां से पानी दिल्ली पहुंचने में 72 घंटे लेता था, लेकिन इस बार जो पानी की रफ्तार थी वो 36 घंटे में, मतलब पानी यहाँ से 36 घंटे की रफ्तार से पानी निकला है। लेकिन इससे हमने 18 के 18 गेट खोल दिए थे, और इतना लंबा समय आज तक नहीं हथनीकुंड बैराज के इतिहास में देखा गया। और 72 घंटे की बजाय अब की बार 70 घंटे से भी जल्दी पानी वहाँ पर पहुँचा होगा। लगातार 36 घंटे तक फ्लड का इतना भारी पानी सहन करने वाले इस हथनीकुंड बैराज की क्षमता 9,95,000 क्यूसेक है। इसने 8,28,000 क्यूसेक पानी का भाव अब तक सहन किया है। अगर पानी कुछ और बढ़ जाता है तो यह बैराज के लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो पानी को कई तरह से नुकसान पहुँचाएगा। पल पल यमुनानगर से सुशील पंडित की विशेष रिपोर्ट। नया हथनीकुंड बैराज जो है ये 1996 में शुरू होकर 1999 में कंप्लीट हुआ था, और 1999 से यही काम कर रहा है। इस बार हाईएस्ट फ्लड जो डिस्चार्ज है 8,28,072 क्यूसिक 18/8/19 को शाम 6 बजे निकला है। इससे पहले 2013 में 8,06,464 क्यूसिक पानी निकला था, क्योंकि पहले भी इसमें काफ़ी डाउनस्ट्रीम में डैमेजेज होने स्टार्ट हुए थे, और इस बार बहुत भारी मात्रा में हाईएस्ट फ्लड गया है, तो डाउनस्ट्रीम में लॉन्चिंग एप्रन है, डिवाइड वाल है, गाइड बंद है, कर्टेन वाल है, इस टाइप से नीचे कुछ डैमेज हुआ है। पूर्ण रूप से मूल्यांकन जो है जब पानी पूरा बंद हो जाएगा फिर कर पाएंगे। प्रशासन पूर्ण रूप से ध्यान रखे हुए हैं सारी स्थिति को, उसको स्ट्रक्चर को भी और दूसरे पहलुओं को भी, और सारे मूल्यांकन करके पूर्ण रूप से प्रशासन की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि समय समय पर जांच करते रहे। जो है यहाँ से पानी 72 घंटे लेता था, लेकिन इस बार जो पानी का बहाव है लगातार 36 घंटे चला है, जिसमें हमने 18 के 18 गेट यमुना पे फ्री फ्लो कर दिए थे, खुले रखे, और इतना लंबा समय आज से पहले हथनीकुंड बैराज की हिस्ट्री में लगातार पानी नहीं चला, तो उसको लेके हमने आंकलन लगाया था कि ये पानी दिल्ली जो है एडवांस पहुँचेगा, 72 घंटे से पहले पहुँचेगा, और मे भी आपने देखा हो शायद आज वो पहले ही पहुँचा होगा।